नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे लोग समाज में ऐसे बोलते हैं, मुझे अमीर नहीं बनना है, अमीरों से बड़ा मुझे नफरत है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ, मैं इसी में खुश हूँ, किसी भी हालत में मुझे अमीर नहीं बनना है, तो बताइए क्या क्या करूँ। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो है। सबसे पहला काम कीजिए, जैसे ही नौकरी लगे ना और सैलरी जैसे पहला वाला आए, लगभग 50,000 रुपये पर मंथ का सैलरी आपको लगा है, तो साल का कितना हो गया, 6 लाख रुपया हो गया, 12×5=60, तो आपको टैक्स आने लगेगा। 1 लाख रुपया पे लगभग मान लेते हैं टैक्स आने लगेगा, तो एक ट्रेडिशनल प्लान ले लीजिए 1 लाख का, आपको टैक्स में छूट चाहिए, तो वो या पहला काम यही कीजिए कि जैसे ही सैलरी हो 1 लाख का ट्रेडिशनल प्लान आप मंथली, क्वार्टरली, 6 महीना जो भी प्रीमियम देना है वैसे करके 1 लाख का प्लान ले लीजिए। और जब आप प्लान लेंगे तो आपको बताया जाएगा कि 20,000 रुपया तो मैं आपको लौटा दूंगा, पहले ही प्रीमियम पे आपको लौटा दूंगा, तो आप तो और खुशी के मारे आपका ठिकाना नहीं रहेगा कि भाई 20,000 रुपये तो लौटा दिया। और उनको 30,000 रुपया चुपके से मिल रहा है, तो 20,000 रुपया आपको लौटा दिया, इनको 10,000 रुपये बच गया। ऐसा सिचुएशन मैं जब देखता हूँ ना, तो बचपन में एक कहानी सुना था कि एक बार गाँव से उठ करके मुंबई चला गया, ट्रेन में बैठ के मुंबई चला गया, और वहाँ पे देखने लगा 100 मंजिला बिल्डिंग था, 10, 15, 20, 25, 30, 40, पीछे से पकड़ा एक बॉम्बे का लड़का, क्या कर रहे हो मुंबई में बिल्डिंग देख रहे हो, पता नहीं है मुंबई में बिल्डिंग देखने का पैसा लगता है, तुम 60वां मंजिल देख रहे थे, 60 रुपया निकालो। बोलता नहीं 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 हम तो 20वां देख रहे थे, हम तो 60वां देख नहीं रहे थे, हम 20वां देख रहे थे, तो चलो 20 रुपया निकालो। वो 20 रुपया निकाला, उसको दे दिया, मुंबई वाला बंदा जो है पैसा लेके जाने लगा, वो खुश हो गया कि कैसा बुड़बक लड़का है, इससे 20 रुपया कमा लिए। और ये जो बिहार का बंदा है जो गांव से उठ के गए थे, वो अपने आप में खुश है कि भाई हम तो 60वां देख रहे थे, हम इसको 20 रुपया दिए। ई भी खुश, वो भी खुश, दुख कोई नहीं है, दोनों खुश है, ये खुश है और ये थोड़ा सा ज़्यादा खुशी है, ज़्यादा खुशी इसलिए कि देना तो 60 रुपया था, दिए कितना, 20 रुपया। यहाँ देखिए, देना तो 1 लाख रुपया था, दिए कितना, 80,000, 20,000 रुपये वापस मिल गया, दोनों खुश है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दिन के बाद, 2-3 साल के बाद सैलरी बढ़ गया, तो एक मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए और एनपीएस में भी पैसा लगा दीजिए। अच्छा, मैं जो ये चीज़ बता रहा हूँ ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खरीदा है, और यकीन मानिए जिनको थोड़ा बहुत पता होगा फाइनेंशियली वो ये सब प्रोडक्ट में कभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं करेंगे, लेकिन आपको तो अमीर बनना नहीं है, आपका ध्येय है कि भाई अमीरों से हमें नफरत है, हमें जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो एक मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए, एक एनपीएस ले लीजिए। क्या करना पड़ेगा फिर, मेडिकल इंश्योरेंस में 15,000 अपना ले लीजिए, 15,000 रुपया का प्रीमियम पेरेंट्स के लिए कर लीजिए। यहाँ पे याद रहे कि 90% आपको अंग्रेजी ट्रीटमेंट होगा, आयुर्वेद का नाम होगा ही नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा अभी जोड़ा जा रहा है, और नेचुरोपैथी तो छोड़ ही दीजिए, होम्योपैथी ये सब ट्रीटमेंट होगा नहीं, तो अंग्रेजी वाला ट्रीटमेंट होगा। इमरजेंसी में कुछ हो गया तो 5 लाख रुपया का बिल आपके पास आएगा, 5 लाख का आ गया बिल, 3 लाख रुपया आपको प्रीमियम दे रहे थे भाई, इतना मेहनत करके प्रीमियम दे रहे थे, 3 लाख रुपया आपको वापस किया जाता है, आपका 2 लाख रुपया कट लगता है, तो आप खुश कि भाई 3 लाख रुपया वापस मिल गया। अब प्रीमियम कितना दिए थे, 15,000, 15,000, 15,000, 3 साल दिए थे, 45,000 दिए थे, अब 3 लाख मिल गया, बल्ले बल्ले हो गया, 2 लाख रुपया के बारे में सोच ही नहीं रहे, ये सोच रहे हैं ये बच गया, और ये सब तामझाम ना करके 15,000 सालाना ना देके एक किताब घर में रख लेते, रोगी स्वयं चिकित्सक आदरणीय राजीव दीक्षित जी का, जो मात्र 300 रुपये में आता है अमेजोन से, कोई भी प्रॉब्लम होता उसमें लिस्ट है, 150 तरह का बीमारी है जो नॉर्मली होता है लोगों को, बड़ा बीमारी छोटा बीमारी सब दिया हुआ उसमें, वो पढ़ लेते और कर लेते, लगेगा टाइम, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना टाइम लगेगा, लेकिन क्योर तो पक्का ही पक्का है अगर इस किताब के इशारे पे चलते रहे तो। आगे बढ़ते हैं, इनकम फिर बढ़ा, 5 साल 6 साल बीत गया, इनकम बढ़ गया, शादी भी हो गया, तो अब एक होम लोन ले लीजिए, शादी होते ही एक होम लोन ले लीजिए, क्योंकि जो लड़की आएगी ना शादी करके उसको गवारा नहीं है कि वो रेंट पे रह ले, एकदम गवारा नहीं है कि कैसा लड़का, बुड़बक लड़का शादी किया, बोलता पढ़े हैं, 98% मार्क्स लाए हैं, अब भाड़े के घर में रख रहा है,
इंजीनियर डॉक्टर आईटी प्रोफेशनल अपने आप को बोल रहा है, भाड़े के घर में रख रहा है, तो इमीडिएट एक घर ले लीजिए रेंट के पैसे पे। अब बोलिए गोल्डन सेंटेंस, सब लोग बोलता है रेंट के पैसे में घर हो रहा है तो क्यों ना लूं। फिर से सुनिए, रेंट के पैसे में घर हो रहा है तो क्यों ना लूं, ले लीजिए। अच्छा ठीक है, 70,000 सैलरी हो गया बेचारे का, 70,000 में 20,000 रुपया का मात्र ईएमआई गया, और शादी करके जो आए थे बीबी जी को लाए थे उनके पापा जी ने 30,00,000 रुपया उनको दे दिया कि दामाद जी अब घर ले रहे हैं, अरे हम भी कुछ मदद करेंगे, कैसा बात करते हैं आप, 30,00,000 रुपया हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। उन्होंने बेचारा पैसा जमा करके रखा है, वो खुशी खुशी दे रहे हैं, दे दिया 30,00,000 रुपया और 20,000 का ईएमआई, घर हो गया दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास नोएडा में गुड़गांव में एक छोटा सा फ्लैट हो गया 2 BHK या 1 BHK का, कंप्रोमाइज करके जिंदगी चल रहा है एकदम मजे में। अब ये जो बोलते हैं कि रेंट के पैसे में घर हो गया, लगभग 17-18,000 रुपये रेंट दे रहे थे और ईएमआई 20,000 का, और ये वाला पैसा हमारा थोड़ी है, हम थोड़ी लगाए हैं, इस पैसे के बारे में हम क्यों सोचे। 30,00,000 रुपया तो किसी दिया ना कोई ने, फ्री में मिला, फ्री फ्री फ्री, हम इसके बारे में क्यों सोचे। तो हो गया ना फॉर्मूला, गोल्डन सेंटेंस, रेंट के पैसे में घर हो गया। चलो भाई हटा देते हैं इसको, 30,00,000 रुपया बीबी जी का पापा जी दिया तो हमको क्या मतलब उससे। फिर 5-10 साल रहिए उस घर में, चलने दीजिए चलने दीजिए, उसके बाद या तो आपका सैलरी बढ़ जाए या 15-20 साल चला लिया तो ईएमआई खत्म हो जाए, एक मुश्त पैसा डाल दिए जो भी कर दिए आप, ईएमआई मान लो ईएमआई 1 खत्म हो गया तो एक ईएमआई इमीडिएट फिर शुरू कर दीजिए, रजिस्ट्री भी आना कर दीजिए, संडे संडे जाइए प्लॉट फ्लैट देखिए वाइफ के साथ, 6 दिन काम किया संडे फुर्सत मिला तो देखना है ना भाई, प्लॉट देखने जाना है, गाड़ी उनका चलता है आपको घुमाएगा फिराएगा खाना खिलाएगा सब कराएगा, ईएमआई 2 ले लीजिए, सैलरी से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्योंकि एक घर आपने लिया तो स्टैंड बाय भी जरूरी है भाई, जरूरी है स्टैंड बाय, इसमें भूकंप आ गया तो, जब भी भूकंप आ गया तो घर तो टूट के गिर जाएगा, तो एक घर और स्टैंड बाय होना चाहिए, होना ही चाहिए। भूकंप से जब आता है ना तो दौड़ते हैं लोग, पता नहीं क्यों दौड़ते हैं लोग, भूकंप से भूकंप की तरफ दौड़ते हैं, शांत बैठ जाना है, जहां है वहीं रहना है, भूकंप से भूकंप में नहीं दौड़ना है, तो ईएमआई से ईएमआई में अब दौड़ रहे हैं। तो इस तरह से ऊपर में जितना चीज बताया है उसमें आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा कि हमको अमीर नहीं होना है, जैसे हैं वैसे रहना है। लेकिन गलती से म्यूचुअल फंड SIP के बारे में कोई बोल दिया, कोई वीडियो दिखा दिया, बोला हट ये सब अमीर का चुचलाबाजी है, हम ये सब नमें नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा पैसे का करना क्या है, क्या करेंगे ज्यादा पैसा बताइए, पता ये सेंटेंस कौन बोलता है जिसके पास ज्यादा नहीं है, या फिर ज्यादा करने का उनको लगता है कि कोई चांस ही नहीं है, अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, ये वाला चीज तो पूरा हो ही नहीं सकता है, वही लोग ऐसा बोलते हैं ज्यादा पैसे का क्या करना है। सच बोलूं तो ये सेंटेंस कहने का हक सिर्फ उसी को है जिसके पास ज्यादा पैसा है। जैसे आज मैं बोलूं मुझे ज्यादा पैसा जरूरत नहीं है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनके पास पैसा होता जाए जिनके पास कम है, मुझे जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा शोभा देता है तब बोलना है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं बोलना है कि ज्यादा पैसे का क्या करना है, पहले बना लो फिर बोलो। अब बात करते हैं कि जिंदगी भर कौन मिडिल क्लास में ही अपना जिंदगी गुजार देगा सेकेंड क्लास स्लीपर में, और कौन व्यक्ति फर्स्ट क्लास में भी दौड़ के छलांग लगा सकता है। तो 25 साल के एज में कैरियर शुरू हुआ, सैलरी शुरू हुआ, काम धंधा शुरू हुआ, और 50 साल तक एवरेज 25 साल तक आपने कुछ ऐसा पैसा इन्वेस्ट किया जो ऊपर बताया, आपको लगभग 30,000 रुपया एवरेज आपने पैसा लगाता गया और 25 साल तक करता गया, तो ऊपर में जितना चीज बताया है एवरेज आपको 5% रिटर्न मिल गया आने वाले फ्यूचर में, इससे भी कम होगा पर मैं 5 कैलकुलेट कर रहा हूँ, 90,00,000 तो जमा हुआ है और वैल्यू है 25 साल के बाद 1,79,00,000 रुपया। लेकिन यही पैसा 1,000 से शुरुआत करते करते 30,000 तक अगर म्यूचुअल फंड SIP में चला जाए और 12% का भी रेट अगर होता है, मात्र 12%, तो जमा तो उतना ही होगा 90,00,000 रुपया और पैसा बनता है 5,79,00,000
69 लाख रुपया। तो ये वाला स्थिति से बचना है, क्योंकि हमको तो गरीब रहना है। इतना पैसा हो गया फिर तो हम अमीर हो जाएंगे, टॉपिक तो था कि गरीब कैसे रहना है। इतना सा पैसा में सब कुछ जीवन यापन में ही ख़त्म हो जाए, बच्चों का शादी पढ़ाई घर ये सब ख़त्म हो जाए, और रिटायरमेंट के बाद बच्चों को फ़ोन करें हर महीने कि पैसा भेज दो पैसा भेज दो, कभी भेजा कभी नहीं भेजा। तो ऐसे करके हमको कंप्रोमाइज में ज़िंदगी जीना है। कुछ लोग अब बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको ना पैसे मिले, वो जो किताब आपने एडवर्टाइज कर दिया रोगी स्वयं चिकित्सक आदरणीय राजीव दीक्षित जी का, आपको तो भरपूर पैसे मिले होंगे। भाई पैसा कितना मिल सकता है ना, एक मेल देख लीजिए, बोलता है कि आपको $500 से $2000 दूंगा। वो सडोन बोल रहे हैं, वही होमोकेम्बो बाहर वाले। 15 सेकेंड का वीडियो चला दीजिए, गेम का वीडियो चला दीजिए, इतना पैसा दे दूंगा, आज तक देखा नहीं होगा, मरते दम तक ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हजारों मेल है, एक दो नहीं, मेल ही मेल है इस तरह का करने वाला, और लोग करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, बहुत बड़ा आदमी बन गया वो दारू का कैसे प्रचार कर सकता है, बहुत बड़ा आदमी हो गया वो सिगरेट और गुटखा का कैसे प्रचार कर सकता है, वो क्या देना चाहता है और क्या बनना चाहता है, कितना पैसा कमाना चाहता है, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे समझ ही नहीं आता है कि कैसे कोई दारू का प्रचार कर सकता है, शराब का प्रचार कर सकता है। तो भाई पैसा तो हमें मिलता नहीं है। अगर मैं हेल्थ के सब्जेक्ट से पैसा कमाना चाहूँ ना, तो जो भी मेरे पास सुख समृद्धि है सब चला जाए। बोलते हैं ना खराब बात बोलना नहीं चाहिए, सरस्वती माँ जो है कभी कभी जीप पे सवार होती है और वो सच हो सकता है। मैं ऐसा बात कह रहा हूँ कि मैं अगर हेल्थ के सब्जेक्ट से पैसा कमाना चाहूँ तो मेरे सारे सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो एक रुपया भी मैं नहीं कमाना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट से। मैं हमेशा हेल्थ या किसान के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा बात करूँगा। एक ऑर्गेनिक प्योर हनी से बना हुआ सन कुक्ड मधुमृत गुलकंद हनी है। जो लोग मिठाई के शौकीन है ना, लेकिन आपको पता है अंदर से कि जहरीला मिठाई खा रहे हैं, लेकिन मन नहीं मानता है, जी नहीं मानता है, मुझे भी शौक है, फ्रिज खोला एक गुलाब जामुन मिल जाए, मेरे बच्चे को तो खूब पसंद है, लेकिन जब से मैं मधुमृत गुलकंद हनी को जाना है, उसको टेस्ट किया है, फ्रिज में 2-3 बॉटल घर में यही रहता है। 100% ऑर्गेनिक है, सन कुक्ड प्योर हनी से बना हुआ है। एक बार मेरे कहने पे रिक्वेस्ट पे ऑर्डर कर लीजिए, दूसरी बार आप खुद लेंगे। ये इस तरह का है, लिंक भी डाल दूंगा मैं। लगभग 800 में मिलेगा ये आपको, 150-200 रुपया वो किसान के पास जाएगा, वही किसान जो हर जगह आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि हम और आप सब ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं, बाहर से खरीदते हैं, ये भी ब्रांडेड है और ये भारत का है। एक बार खाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला रिक्वेस्ट मेरा मान लीजिए, अगली बार से खुद कीजिएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा है कि मैं गिफ्ट भी यही करता हूँ, अनोखा चीज़ है। अरे मिठाई दे दे के थक गए ना, हल्दीराम का भुजिया और ये सब दे के थक गए ना, एक 4-5 रखिए अपने पास, अमीर है हमें पता है, 40-42 हज़ार जो सब्सक्राइबर है ना वो मिडिल क्लास से ऊपर वाले हैं, अमीर लोग हैं, तो रख लीजिए 5-10, किसी भी ओकेजन में बड्डे में गिफ्ट कर दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। कोई एक चम्मच खाएंगे ना, फोन आएगा क्या चीज़ गिफ्ट किया है, ओहो मज़ा ही आ गया। तो ज़रूर कीजिए। आपको इसी तरह इन्वेस्टमेंट के बारे में और कुछ जानना है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।